हेलो, वेलकम टू ऑल। मानव सत्यम, सबको वेलकम। पहले सीक्वेंस और सीरीज लेते हैं, फिर लिनियर इनइक्वालिटीज की भी बात कर लेंगे। अभी सीक्वेंस और सीरीज पहले कर लो, उसके बाद फिर लिनियर इनइक्वालिटीज की बात कर लेंगे। 6B हो गया था, 6C भी हो गया था। 6C में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तनिषी, गुड इवनिंग, सवाल बोलिए। 6C सर, क्या भारी पढ़ाया आज अनअकैडमी में, एकदम कड़क। क्या अच्छा रिवाइज हुआ है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तुम लोग जुटती हो तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। 6C नंबर 10। देखो, सबको बोलते हैं अन अकेडमी पर, सारे वहाँ पर भी हैं। अन अकेडमी पर आप जाके रिवाइज या प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन का कर सकते हैं। और किसी को भी दिक्कत हो, इसके बाद हम लोग जो है कॉरलेशन रिग्रेशन कर लेंगे। स्टैट में बताओ, कॉरलेशन रिग्रेशन ठीक रहेगा? कोई बात नहीं है। 6C का 10 कल ही पढ़ाया था, परसों। 2 अनइक्वल नंबर है, नोट में लिखाया था उस रोज, याद कीजिए। सौरभ, गुड इवनिंग। विकास, हाँ तुम तो जरूर देखते हो। अंशिका, सर हमारी एग्जाम क्यों नहीं हो रही? कौन क्यों ने बोला नहीं हो रहा? चलो पहले कॉरलेशन रिग्रेशन कर देंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी हम स्टार्ट कर देंगे। स्टेट में एवरेज, अच्छा। सर्च भी किया अन अकेडमी पर, तुम हमको हाई लिख के भेजो, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा। देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ओवर ए बी। ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है। आप कोई भी दो नंबर ले लो जो डिफरेंट हो। जरा सचिन को असिस्ट करो, पांडे जी, सचिन को आप असिस्ट करो। चलो यहाँ देखो, ए ग्रेटर देन जी, जैसे 4 और 9 है तो 4 और 9 का निकालो, अर्थमेटिक मीन आता है 6.5, और इसका निकालोगे 6। देख रहे हो बड़ा आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन से काम करेंगे। 6C आप समझ गए। 10 के बाद बताओ जी कौन था। ठीक है, सब करवा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, यहां देखो, एक्स एट वाई आर एन जी पी, ये ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। कि एक्स ये है जी पी में और एक्स वाई माइनस एट है ए पी में, तो पुट करके देखो। कैसे पुट करके देखोगे? ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई की जगह माइनस एट, एट और माइनस एट जी पी में है क्योंकि कॉमन रेशियो है, और दूसरा है माइनस एट माइनस एट माइनस एट, इसको हम एपी में भी बोल सकते हैं। 16 और 4 में देखिए, 16 और यहाँ 4 लगाएंगे जीपी में है, और 16 और यहाँ पर 4 लिखाएंगे तो ये भी जीपी में आ रहा है। ऑप्शन 17 का क्या दिया है? 17 का ए और बी दोनों हो सकता है, इसमें गलती लिखा है। ऑप्शन में देखिए, ए और बी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, बाय ऑप्शन बनाइए। आप एक्स और वाई के जगह रख के जीपी चेक करो और एक्स और वाई के जगह एपी चेक करो, जो जो सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा, राइट? 17 हो गया 19, समझ में आ गया सत्यम मानव? 19, 19 देखिए, 19 उन्नीस क्या कह रहा है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जी पी फर्स्ट टर्म वन एन कॉमन रेशियो हाफ इज इक्वल टू दिस, एन निकालना है तो निकालो। एस एन का ये फॉर्मूला होगा बराबर, क्या हो गया, ए दिया हुआ है वन, इतना बराबर है कितना, एक 170 तो हो गया 255। यहां आपको इधर ले जाइए, तो 255 बाय हाफ करोगे तो 256, ध्यान दो, हाफ इसको इधर ले आओ और इसको इधर, तो हाफ पर पावर एन, हाफ पर पावर एन, और यस का एलसीएम लोगे तो 1/256, एक है जी 2/8, देख लीजिए एन का वैल्यू क्या हो गया, 8, एन बराबर 8 हो गया आंसर। इसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। उसके बाद है 30, 18 भी है, 18 देखिए, यहाँ पर सवाल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। गलती की हम घर में जो है लगवा लिए, नहीं तो घर अच्छा है कि घर में आराम करते, अगर हम नहीं लगवाते ये घर से जो है लाइव क्लास लेने का अच्छा नहीं होता, हम भी आराम करते। सारे टीचर आराम कर रहा है, देखो हम दौड़ रहे हैं। 18 देखिए, पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके। एंथ टर्म दिया हुआ है टी एन, हाँ फील्ड हार्ड पेन, हाँ रमेश सर जैसे कर रहे हैं। ए यहाँ 16 है, 2/4 इधर ले आइए, ये इधर ले आओ 2/4, 1/2 21, एन माइनस वन हो गया 21, एन का वैल्यू क्या हो गया, 22, राइट?
चलो नहीं करते हैं हम तो भाई, पढ़ाने के लिए ही देखो ये सब काम अपने से किए हैं, बहुत मुश्किल फेस करते हुए। 18 के बाद 29, 30। 29 में क्या है कि 29 तो तुम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% CII सम एक्युमुलेट इतना इन 5 ईयर, सम इन्वेस्टेड ए बराबर, ये फार्मूला लगेगा, ये जीपी से होता है इसलिए जीपी में पूछ देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं समझ में आया बेटा, TN हमको दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है 16, आर दिया है हाफ, देखो एन माइनस वन इतना 16 हुआ, 2 पर पावर 4 बराबर के इधर ले आओ तो 17 और 4 21 हो गए, हाफ पर पावर 21 हुआ, एन माइनस वन 21, तो एन 22 हुआ, आ गया सत्यम, आया अब आया समझ में, TN दिया हुआ है, SN नहीं दिया हुआ है, आ गया समझ में, 16 को उधर ले जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी, हाँ आदित्य, दस परसेंट CII पर है ना, रमेश सर है भी यहाँ नहीं, रमेश सर बिहार गए हुए हैं। ये जो फार्मूला होता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है किससे आता है, जीपी से, इसलिए जीपी में इसका सवाल पूछ देता है। 10% CII है इतना एक्युमुलेट हो गया 9625, पी 10%, एन निकालना है, पी कितना होगा कि ये काम हो जाएगा 5 ईयर में, तो पी नहीं निकल जाएगा, डिवाइड कर दो, आ गया समझ में। और कौन सवाल पूछ रहा था, 30, 30 देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005, 2015 2% के हिसाब से है, ये भी फार्मूला लगाओ, इसमें भी यही लगेगा, पी है 55 करोड़, 2% से बढ़ रहा है, 2005 से 2015 तक कितना हुआ 10 साल, तो 10 हो गया, क्लियर। इसके बाद और कौन कुछ पूछा, इसके बाद है ही नहीं, एडिशनल में आ जाइए। एडिशनल सैटरडे को अनअकैडमी पर 4 बजे क्लास है, 4 PM ये अनअकैडमी पर हो रही है क्लास, इसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, स्टार्ट कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है, ये नहीं सीखोगे तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो जाएगी। मानव है 9 और 15, एडिशनल का पूछ रहे हो मानव या सी का, ये याद रखिएगा, 4 PM थर्सडे, सॉरी सैटरडे 4 PM क्लास लेंगे। मानव किसका 9:15 में, 9 और 15 किसका, एडिशनल का पूछ रहे हो, ठीक है। आप हाई करके लिखिए, मैं भेज देता हूँ लिंक, लिंक भेज देता हूँ, पहले लर्नर ऐप जो है लर्नर ऐप डाउनलोड करो, मैं भेज देता हूँ लिंक आपको। चलो एडिशनल का 9, तो एडिशनल का 9 तो बड़ा आसान था जी, SN वाला से बनाओ ना, वो जो हमने ट्रिक बताया था, अप टू एन टर्म्स, ये है, ये SN दिया हुआ है, S1 T1 के बराबर होगा, ऑप्शन से इधर चलो,
25 किसका एडिशनल का? और का मतलब है चार और पांच और बीस वाला, अभी बता देता हूं। एस वन करोगे तो हाफ वन माइनस वन जीरो, एस वन टी वन के बराबर होगा। यहां भी एन वन होगा तो ये भी जीरो मिल गया। एस टू रखिए, एस टू रखोगे तो टू हाफ, एस टू का ये मतलब है वन माइनस एन, यहां पर रखो हाफ, सॉरी टू, यहां टू रखोगे तो क्या हो जाएगा, वन जीरो हो गया, ये हाफ मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। एस एन हमको दिया हुआ है तो एस वन टी वन के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। जब हम एस टू रखेंगे तो टी वन प्लस टी टू, और टी वन और टी टू में एन के जगह टू ही रखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? सत्यम 25 किसका? 25 सी का। अच्छा जी, सी में यहां पर देखिए 25 में नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5, यहां तीन निकालना पड़ेगा। द नंबर्स बराबर हुआ द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 प्लस द नंबर्स माइनस द नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, दैट इज 20 एलसीएम। आप हाई करके लिखिए, मैं अभी लिंक भेज देता हूँ, जिनको जिनको हाई करके लिख के भेजना, अभी क्लास के बाद उनको लिंक भेज देता हूँ अनअकैडमी पर। तो पहले ये ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद मैं लिंक आपको भेज देता हूँ अपना। सब बच्चों को मिल रहा है लिंक, विकास है ये है, इस सबसे भी मांग लोगे तो भेज देगा। देखो चार या पांच का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। कि नंबर चार से डिविजिबल है या पांच से, लेकिन ये चार और पांच का एलसीएम कितना होगा, 20, तो 20 वाला इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसलिए एक बार क्या करना होगा। ठीक है, अभी आए करके भेजना, मैं लिंक भेज दूंगा, आप अपने व्हाट्सएप पर हमको करना, मैं लिंक भेज देता हूँ अभी। ठीक है, हो गया 20 से। तो ये 20 वाला दो बार आएगा, तो चार वाला अलग लेंगे, पांच वाला अलग लेंगे, लेकिन जो 20 वाला है दोनों में आएगा तो एक बार क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, तीन बनाइए, चार से डिविजिबल है, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, तो 100 104, यहाँ ए दिया हुआ है, एक मैं बता देता हूँ, डी दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है, पहले एन निकालिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 300, डी का वैल्यू 4, ये आ गया 250, एन हो गया 51। अब एस वन निकल जाएगा, एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकाल लोगे, एन मालूम है, ए और टी एन मालूम है। उसी तरह पांच वाला निकालिए, पहले 100 प्लस 105 प्लस 110, ये भी निकल जाएगा। और एस थ्री निकालो, 20 वाला 120, इतना बड़ा आएगा नहीं, देख रहे हैं, ये 100 100 दो बार ऐड हो जाएगा, तो एक बार माइनस करना होगा या नहीं करना होगा। जो एस वन आएगा एस टू आएगा, जोड़ के एस थ्री माइनस कर देना है, कर लोगे?
आ गया सत्यम जी समझ में? अब कौन है? 15। 15 कितना बार पढ़ाऊं? 15 तो हमने कई बार पढ़ाया है, सब भूल जाते हो तुम लोग। 15 का शॉर्टकट पढ़ाया था। पंद्रह ध्यान दीजिए। फिफ्टीन। मैंने आपको पढ़ा था, पढ़ाया था। यहाँ पर नोट में कितना बार पढ़ाया था कि एस एन बाय एस डैश एन दो का हमको दिया हुआ रहे, सम का रेशियो दिया हुआ है, तो फॉर रेशियो ऑफ एम्थ टर्म, यहाँ ध्यान दीजिए, एम्थ टर्म निकालने के लिए हमने क्या पढ़ाया था? एन बराबर 2m-1। फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालिए तो 2 × 5 या 9 रख दोगे। एट टर्म का निकालना है तो 2 × 8-1। अब कह रहा है कि सीरीज में इक्वल होगा, तो सॉल्यूशन देखिए। मान लेते हैं एम्थ टर्म इक्वल है तो एन बराबर क्या हो गया? 2m-1। इसका रेशियो निकालो। अगर ये एम्थ टर्म इक्वल है तो बेटा इक्वल का रेशियो क्या बनता है? 2m-1 होगा, 1/1। सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर हो गया? ये हमने आपको पढ़ाया था, राइट? क्लियर? आ गया सबको क्लियर? उसके बाद कौन सवाल पूछा? 32, 33। पीथ टर्म है 1/Q, ऐसा पहले भी पढ़ाया था। जो पूछ रहा सवाल हो गया समझ में? क्यूथ टर्म है 1/P और हमको निकालना है कौन सा टर्म? पी क्यूथ टर्म निकालना है। तो पी क्यूथ टर्म कैसे निकालेंगे? ए और डी चाहिए थी, इसे ए और डी निकालना पड़ेगा। सॉल्व करो। p-1 एलसीएम लो, पी क्यू पी माइनस क्यू, यहाँ 1/1 कट जाएगा। देखो ये कट गया, डी बराबर 1/PQ आ गया। डी का वैल्यू यहाँ रख दोगे फर्स्ट में, डी का वैल्यू रख दो, ए निकल आएगा। सॉल्व करना मल्टीप्लाई करके, ये भी यही आएगा। ए और डी जब हमारा निकल जाए तो टी पी क्यू फाइंड आउट नहीं हो गया? ए प्लस पी क्यू माइनस 1D, 1/PQ, 1/PQ कॉमन ले लो। ये कट गया, ये कट के 1 आंसर हो गया। आ गया 32 समझ में? जो 32 पूछे हो मानव। 33। सम ऑफ पी टर्म इज क्यू और क्यू टर्म पी है तो पी प्लस क्यू टर्म का सम निकालिए। 33 नंबर देखिए। आ गया समझ में मानव? सबको क्लियर आ रहा है? यस या नो में फटाफट जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। चीयर्स।
आ गया सबको समझ में? यस या नो का जवाब दीजिए फटाफट। अभी एक आदमी लिखता है, बाकी कोई लिखता नहीं है कुछ, कैसे काम चलेगा? 33 नंबर 33। पी टर्म का सम है क्यू, और क्यू टर्म का सम है पी। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में देखते हैं क्या आता है। वेरी गुड। तनिषी कहाँ चली गई? इस टू को उठा के इधर ले जाओ फर्स्ट से और पी मल्टीप्लाई करो। पी सब में मल्टीप्लाई कर दो टू क्यों, सेकेंड में टू इधर ले आइए, क्यों से मल्टीप्लाई करो, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, और दोनों को माइनस कर दीजिए। राइट, बस काम हो गया आपका। 2AP माइनस क्यू डी, यहाँ भी माइनस, इसको पॉजिटिव रखिए और माइनस टू कॉमन ले लो, पी माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू है तो पी माइनस क्यू कॉमन होके कट जाएगा यहाँ से। राइट, तो क्या बचेगा? 2A, P माइनस क्यू कॉमन निकाल देते हैं, P प्लस क्यू डी माइनस वन, सॉरी D, ये कट गया। देखिए ये वैल्यू निकला, इसमें D कॉमन निकाल लो। हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म निकालना है, तो पी प्लस क्यू बाय टू। अब इसका वैल्यू हमको क्या दिया है? माइनस टू, देख लो सॉल्व हो गया, माइनस पी प्लस क्यू इस तरह से निकलेगा। 53 का आंसर नहीं आ रहा है, 53 का आंसर आ रहा है। देखो 53 का बी दिया है आंसर, बी से मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ए में तो नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन देखिए, एसएन ये दिया हुआ है, एस वन क्या होगा? यहाँ वन हो गया तो जीरो हो गया। एस वन टी वन के बराबर है बराबर, टी वन आप देख लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। एस टू रखिए, एस टू रखोगे तो क्या होगा? यहां टू रखोगे तो माइनस टू एक्स वाई। जरा इसको ब्रेक करो, टू ये हो गया 2x² और चार में से दो गया तो 2xy। अब देखिए s2 किसके बराबर होगा? s2 बराबर होगा t1 प्लस t2 का, तो t1 और t2 का आप करके देखिए। s2 बराबर ऑप्शन से चलिए, t1 प्लस t2 आ गया, ब्रेक करो x² y² प्लस x², इसको जोड़ो, देखो आ गया कि नहीं आ गया, कैसे नहीं आ रहा है? 100% आएगा, आपने कुछ गलती किया होगा। आ गया समझ में? माना 101।
101 काम उसी रोज पढ़ाए, फिर पढ़ा देता हूँ। लॉजिक समझिए 101 का। एस एस एम, पी ए प्रोडक्ट, आर आर एस सी प्रोकॉल ऑफ जीपी, देखो सारा है जीपी से ही रिलेटेड। तो सारा चीज़ अगर जीपी से रिलेटेड हो और लॉग नहीं हो तो जो आंसर होगा वह जीपी में ही होगा, मैंने इसका आंसर जो है जीएम होगा, बनाना नहीं है। सब रिलेशन एस एस एम किसका, जीपी का। पी प्रोडक्ट किसका है, जीपी का। आर रेसिप्रोकल सम किसका है, जीपी का। कहीं लॉग दिख रहा है, लॉग दिखता तो एम, नहीं कुछ दिख रहा है तो इसका आंसर जीएम में होगा। ये सब को बनाना नहीं है, ऐसे कर देना है। सम अप टू इन्फिनिटी क्यों नहीं आ रहा है, 102 आ गया समझ में मानव, 101। एस इन्फिनिटी बराबर ए बाय वन माइनस आर, ए क्या है और आर क्या है, डिवाइड करो 4√2/8 तो 1/√2, ए टू रूट टू रूट टू माइनस वन, और इसका क्या है रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज करने से घबराते क्यों, नीचे आ गया वन, क्या हो गया 8√2, रूट टू को उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 2+√2 हो गया आंसर, 102 आ गया, 104। नंबर 104 देखिए, अंशिका आ रहा है समझ में, फील हार्ट पेन, ये सबको आ जाना चाहिए समझ में। शशांक, योगिंदर, और कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, देखो यह दिया हुआ है एक्स, ये दिया है वाई, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक्स और वाई में दिया हुआ है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एक्स और वाई में, इसको एक्स वाई, इसका क्या होगा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओ, ए ए है वन, वन माइनस आर ए बी, ए और बी को आपको एक्स और वाई में बदलना होगा, कैसे बदलोगे, यहाँ से ए बाय वन माइनस आर है एक्स, एक्स माइनस एक्स, ए क्या होगा एक्स माइनस वन बाय एक्स, आ गया ये, उसी तरह इसको भी करो, बी बराबर ये आएगा सेम बात, वाई माइनस वन बाय वाई, और ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, एलसीएम आप ले लेना एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा आंसर, ये आ जाएगा राइट। 119 ये तो पहले भी पढ़ाया था 6B में, बेस अगर जीपी में हो तो पावर का रेसिप्रोकल एपी में होगा, ये 6B का भी सवाल ये था भैया, मानव जो वहां पढ़ते हो यही भूल जाते हो, सी पर पावर 1/z, नहीं 104 के जैसा सवाल में क्या था, ए को एक्स में निकालना है, बी को वाई में, हमने उतना बड़ा लिखा और ए बी का वैल्यू पुट कर देना है, बहुत कठिन काम तो था नहीं। अगर ये ए बी सी है जीपी में तो जो पावर का रेसिप्रोकल होगा ये होगा एपी में, याद रखिए, क्योंकि के मान के बनाओगे तो ऐसे ही सवाल बनेगा, के मानोगे तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, पता है। अब जीपी में है तो बी बाय ए बराबर सी बाय बी, बी का वैल्यू रखिए, कि अगर तुमने मानोगे तो बी क्या हो गया, के पर पावर वाई,
ई के पर पावर एक्स, के पर पावर जेड, के पर पावर वाई, वाई माइनस एक्स के जेड माइनस वाई। देखो बेसमान है पावर बराबर हो गया एक्स वाई जेड जीपी में एपी में। एक सौ तीस एक पढ़े थे नहीं, सम ऑफ टेन और ट्वेंटी वाला वही तो सवाल है, फिर 130 क्यों नहीं बना? सिक्स बी में भी ऐसा सवाल था, सम ऑफ एट टर्म फाइव टाइम द सम ऑफ फोर टर्म, आठ टर्म है तो लगाओ बनाओ सवाल। ए आर पर पावर आठ माइनस वन, ए आर पर पावर फोर माइनस वन, ये कट गया, वन के इक्वल नहीं है, ये एक से कट जाएगा। आर पर पावर एट को ऐसे लिख सकते हो, आर पर पावर फोर माइनस वन, फोर प्लस वन, ये कट जाएगा। आर पर पावर फोर फोर, फोर का मतलब टू स्क्वायर, प्लस माइनस रूट टू पर पावर फोर, आर बराबर प्लस माइनस रूट टू, हो गया आंसर। ऐसा सवाल हमने पहले भी पढ़ाया था। करिश्मा 112, यह एचपी से रिलेटेड सवाल है, 112 नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, आपके लिए नहीं है करिश्मा। सर विलेज में नेट का बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूं? अब क्यों गया विलेज तुम, दिल्ली में ही रहते? करिश्मा 112 नहीं होगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये जीपी से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, राइट? नेट का कब प्रॉब्लम, नेट कब आता है? अखलाक दिन में रहता है, सुबह में रहता है, तो डाउनलोड करके पढ़ो। नेट का तो प्रॉब्लम है गांव में। करिश्मा समझ गई बात, 112 अच्छा अच्छा कोरोना है तुमको, हो गया बेटा, ठीक से रहो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अखलाक। 130 के बाद बताइए, अभी नहीं बनाए हो सब? 130 के बाद नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, 130 के बाद तो आसान है। हो गया सबका? कोई बात नहीं है, ठीक से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर कोरोना हो गया, दिक्कत है पढ़ने में, तो पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दो, सब बातें हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरा भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अन अकेडमी में जिसको नहीं मिल पा रहा है, अन अकेडमी वाला वाई करके भेजना, अभी मैं लिंक भेज दूंगा उनको, राइट? करिश्मा 127, सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म, ये पढ़ाया था, ये तो डायरेक्ट देखो जीपी में दिया हुआ है। एस एन बराबर ए आर पर पावर एन माइनस वन, ए है वन बाय रूट थ्री, ये जीपी में डायरेक्ट कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो रूट थ्री। और इसको क्या किया है इसने, ये तो वही रखा है, बस इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर दो,
रूट थ्री प्लस वन नीचे दो हो गया, आइए थ्री पर पावर एन बाय टू माइनस वन, इसने रूट थ्री को भी कर दिया रैशनलाइज, रूट थ्री ऊपर कर दिया, रूट थ्री ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें रूट थ्री मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो गया थ्री प्लस दिस, ये हो गया छः और ये हो गया थ्री प्लस रूट थ्री और ये हो जाएगा थ्री एन माइनस टू माइनस वन, हो गया आंसर। समझ में आ गया करिश्मा? क्लियर? क्या करवा दूं डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में क्या है, वाई बराबर एफ एक्स है, ध्यान दीजिए, तो वाई एक्स पर डिपेंड करता है। चलो यहां देख लीजिए, एक्स में अगर चेंजिंग करोगे तो वाई में भी चेंजिंग होगा, एक्स में चेंजिंग करते हो डी एक्स, डी एक्स का मतलब हुआ डिफरेंस इन एक्स, तो वाई में चेंजिंग हो रहा है डी वाई, तो एक में क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक का चेंजिंग हो तो डिपेंडेंट में क्या चेंजिंग होगा, इसलिए वाई बराबर हो गया डी वाई बाय डी एक्स। इसका नोटेशन है कि हमने एक्स में डी एक्स चेंज किया तो वाई में डी वाई, एक में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है कि वाई में डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको हम कैसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, ये नोटेशन है। इसका मतलब है वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स में देखो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरी स्मॉल चेंजिंग करते हैं, वेरी स्मॉल, तो उसका इफेक्ट जो है वाई पर क्या पड़ेगा, तो जब हम इंडिपेंडेंट में एक चेंजिंग करेंगे तो वाई पर क्या इफेक्ट होगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स में यदि एक का चेंजिंग है तो वाई में कितना का चेंजिंग होगा, और इसको नोटेशन में क्या लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। चार फार्मूला आपको पढ़ना है बेसिक, तो चार फार्मूले को आप पहले याद रखिएगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं पढ़ना है इसलिए आपको पूरी बात नहीं समझा सकते, राइट? वाई बराबर एफ एक्स है, डी वाई बाय डी एक्स एफ डैश एक्स है, पहला है वाई बराबर एक्स पर पावर एन। देखो जब हम डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं तो y और x के अलावा सभी चीज कांस्टेंट होता है, यहां पर क्या है y और x n क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, इसका फार्मूला क्या होगा dy वाई बाई डी एक्स, एकदम याद रखना है, क्यों अभी भूल जाइए, ये चार फार्मूला आपको याद रखने हैं कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट इधर कांस्टेंट माइनस वन, चलो आप बनाना स्टार्ट करो, मैं थोड़ा फार्मूला डिसाइड करके समझा देता हूँ और फिर आप जो है वैरायटी ऑफ सवाल भी बना लेंगे, कल कल ही ख़त्म कर देंगे, कल 8 बजे बैठेंगे तो कल कल ही डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, आप पहले एक बार बनाओगे टॉपर वाली बुक से, टॉपर वाले बुक से सभी सवाल सबको बनाने हैं, अभी मैं बेसिक सबको समझा देता हूँ, आपको एक बार ट्राई करना है और कल जो है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।
जैसे एक्स पर पावर फाइव है तो फाइव एक्स पर पावर फोर हो गया, वाई बराबर ई एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ही होता है, याद रखना है। वाई या ए पर पावर एक्स, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल हो ई एक्स है तो ई एक्स है, ई के अलावा कोई कांस्टेंट होगा तो एक्स लॉग ए, यही है मैन, यही है। आप अगर इसको आप इसमें यूज करके देखो, ई पर पावर एक्स लॉग ई और ए के जगह अगर ई रख दें तो ये वन हो गया, इसलिए ई एक्स का ई एक्स। और चौथा है जी लॉग एक्स, बेस ई में रहना चाहिए, तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया वन बाय एक्स, राइट। तो ये चार फॉर्मूले याद रखिए, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, ई एक्स तो ई एक्स, टू पर पावर एक्स तो टू पर पावर लॉग टू, और लॉग एक्स है तो वन बाय एक्स। चलिए सवाल लेते हैं कुछ। अच्छा आप हाय करके भेजिएगा, मैं भेज दूंगा पीडीएफ आपको साक्षी, ठीक है। ओके मैं भेज दूंगा, यहाँ नहीं, मैं मेरे फोन पर, फोन नंबर है ना आपके पास, तो फोन नंबर है तो फोन नंबर पर हाय करके भेजिएगा, ये नंबर है मेरा। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। जो जो भेजेगा उसको मैं भेज दूंगा, और लिख देना कि डिफरेंशिएशन का पीडीएफ भेजो। तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया वन बाय एक्स। चलो अब कुछ सवाल लेते हैं। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, y बराबर पकड़िए x पर पावर 5, ये किस फॉर्मेट में x पर पावर n, तो 5 इधर जाएगा 5 है, 5 x पर पावर 4, राइट। नंबर टू, बेसिक सीखिए पहले, x पर पावर 5 फॉर्मेट पकड़िए, x पर पावर 5 का मतलब हो गया, x पर पावर 5 का क्या मतलब हुआ, x पर पावर 5 हो गया x पर पावर n। नंबर टू, ये 12-13 पहले रूल पढ़ा देते हैं, इसको आप अगर ढंग से कर लिए सवाल आपका हो जाएगा। x पर पावर 4 हो, ऊपर ले जाओ, माइनस 4 इधर आएगा, माइनस 4 माइनस 1 आ गया समझ में। तीसरा, वाई है रूट एक्स, सब एक्स पर पावर एन पढ़ा रहा हूं, एक्स पर पावर हाफ हुआ, कुछ बातें याद भी रखनी है। हाफ इधर आएगा एक्स हाफ माइनस वन, बराबर के इधर ले आइए टू रूट एक्स। देखो जो चीज रूट में रहेगा आगे मैं यही करूंगा, जो चीज रूट में रहे डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो वन बाय टू पूरा का पूरा टर्म नीचे रूट एक्स, ये काम हम डायरेक्ट आगे करेंगे। नंबर चार, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई चेंजिंग, डिफरेंशिएशन में हम क्या मापते हैं, चेंजिंग, इसलिए कांस्टेंट इनटू अगर वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं होगा, केवल वेरिएबल का होगा। फाइव एक्स फाइव माइनस वन,
आ गया समझ में? केवल कांस्टेंट हो, ध्यान दो, केवल कांस्टेंट हो तो इसका जीरो होगा, क्योंकि नो चेंजिंग इसका क्या मतलब है, एक्स पर पावर जीरो, तो डीवाई बाय डी एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीरो इधर आएगा, एक्स जीरो माइनस वन, तो क्या हो गया, जीरो, राइट। देखिए दो तीन टर्म का अगर सम रहा लिखा हुआ तो सबका अलग अलग करेंगे, सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, पावर इधर जाएगा, पावर माइनस वन, एक्स पर पावर वन है, वन एक्स वन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, तो क्या हो गया, सिक्स एक्स प्लस फाइव। क्लियर आ रहा है समझ में सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। ये सब एक्स पर पावर एन है, एक्स पर पावर एन, पावर आएगी आएगा, पावर में से एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर सबको आ रहा है समझ में? कोई जवाब ही नहीं देता है, सब भाग गया लगता है। सेवन नंबर पॉइंट, सेवन में आप समझिए, देखो ये थ्री एक्स पर पावर टेन है, बेस में एक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर एन, इसका देखिए डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, यहां से भाई इंपॉर्टेंट है, चार पांच बातें एकदम याद रखिए, ये एक्स पर पावर एन है, एक्स के जगह क्या है, थ्री एक्स प्लस फाइव, तो पहले पावर इधर लाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, यहां पर एक्स नहीं है, एक्स के जगह कुछ और है, तो इसका भी करना है, बेस का भी डिफ्रेंशिएशन करना है। आज बेसिक समझा देता हूं, ये करके आप लोग लाएंगे, टॉपर वाली बुक से बेसिक करवा के आप लोग करके लाएंगे, अगले डे में हम लोग बहुत काम कर लेंगे। बेसिक समझ लो, दो तीन पॉइंट और है बस छोड़ देते हैं। अगर ये एक्स पर पावर एन हो और एक्स के जगह कुछ और हो, तो पहले पावर लाएंगे, पावर माइनस वन, और जो एक्स के जगह है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का पढ़ाया था वन, फाइव का जीरो, ये बात याद रखिए। जैसे अगर मान लीजिए एक और ले लेते हैं, टू एक्स माइनस थ्री फोर, तो यहां लाएंगे तो क्या होगा, पहले पावर फोर इधर लाएंगे, और जो एक्स के जगह उसका भी डिफ्रेंशिएशन, टू इंटू वन माइनस जीरो, आ गया। हाँ सारे पॉइंट समझा देता हूं। नाइन नंबर, वाई आई एक्स, देखो ध्यान से, ईएक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये ध्यान रखना है, जब एक्स पर पावर एन हो, पहले पावर और एक्स के जगह कुछ हो, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन, ईएक्स का डिफ्रेंशिएशन ईएक्स, तो यही होगा, और फिर जो एक्स के जगह टर्म है इसका भी डिफ्रेंशिएशन, टू एक्स का वन जीरो, ईएक्स का ईएक्स, फिर जो एक्स के जगह टर्म होगा उसका भी डिफरेंशिएशन। उसी तरह है जी, टू पर पावर थ्री एक्स प्लस फोर, ये किस फॉर्म में है, वाई बराबर ए एक्स का फॉर्मूला, ए एक्स लॉग ए,
एक्स लॉग ए लॉग टू, और जो एक्स के जगह है उसका भी डिफ्रेंसिएशन ये ध्यान रखना है, वन प्लस जीरो ये जो होगा आंसर हो जाएगा। ए एक्स है तो ए एक्स लॉग ए करेंगे, ई एक्स है तो ई एक्स करेंगे, और जो एक्स के जगह टर्म होगा उसका भी डिफ्रेंसिएशन करके इनटू करेंगे। एक्स पर पावर एन के फॉर्म में हो तो एन एक्स एन माइनस वन, जो एक्स के जगह उसका भी डिफ्रेंसिएशन। ई एक्स हो तो ई एक्स का ई एक्स, जो एक्स के जगह उसका भी डिफ्रेंसिएशन। ए एक्स है तो एक्स लॉग ए, फिर जो एक्स के जगह उसका भी डिफ्रेंसिएशन। और ये पॉइंट अगर आपको लॉग है फिर वही काम, लॉग एक्स का वन बाय एक्स तो वन बाय एक्स कर दो, टू एक्स प्लस थ्री, और जो एक्स के जगह उसका भी डिफ्रेंसिएशन। आप लोगों को क्या करना है, टॉपर की बुक का एक से लेके पच्चीस तक आप लोगों को बनाना ही बनाना है, एक से पच्चीस तक ये होमवर्क है। ये जिसको आ गया बाकी आ जाएगा, और ये पहले 11 सवाल करोगे और 25 सवाल हो तब तक कि जब काम खत्म नहीं होगी। सर क्लास होगी ना, क्या चीज़ की क्लास तनिषी, इतना देर के बाद ज्वाइन की, तुमको कितना बार मैंने पुकारा, कहाँ छोड़ के चली गई हमको। हाँ कल क्लास होगी, और अनअकैडमी पर क्लास जो है सैटरडे को 4 PM, और जिनको जिनको लिंक नहीं मिल रहा है उनको मैं लिंक भेज दूंगा, हाय करके भेजिएगा, जिसको बुक चाहिए उसको भी भेज दूंगा, अभी करके भेजिए हाय, राइट। थैंक यू बहुत बहुत। हाँ जी कल क्लास है, कल जो है डिफ्रेंसिएशन ख़त्म कर देना है। ओके थैंक यू।